एक पार्ट टू में आप सबका फिर से एक बार खूब स्वागत है फ्रेंड्स। वहां से बहुत सारी शॉपिंग कर ली जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ उसकी पिक्चर। शॉपिंग के बाद फिर से हमने कुल्हड़ वाली चाय पी, बहुत ही एंजॉय की, ये चाय बहुत बढ़िया थी। उसके बाद हम ऑटो में गए, ऑटो में हम टोटल 12 लोग थे और हम लोग कुछ इस तरह से गए, बहुत ही मज़ा किया। उसके बाद पैलेस भी घूमे, गार्डन में फ़ोटो भी खिंचवाई और बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी फ़ोटो हम लोगों ने क्लिक की वहाँ से, और सारी यादें हम लोग अपने साथ ले जाएंगे। कभी ना भूलने वाली ये मोमेंट है जो हम लोगों ने कैप्चर कर ली है। उसके बाद होने वाला था धमाका, और धमाका था गाला डिनर। गाला डिनर में बहुत ही मज़ा आएगा, आप एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको भी एंजॉय करेंगे। तो स्टार्ट है हमारा गाला डिनर। तो यहाँ पर आग जल चुकी है, ठंड बहुत है, इसलिए इसका भी बंदोबस्त अच्छी तरह से कर लिया है और हमारा म्यूजिक भी रेडी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रुप फोटो ले लिए जी, आपने आपनो आगर नो प्रोग्राम स्टार्ट करिए। तो बताना, यहाँ सारे मेल्स रेडी हो चुके थे फोटोशूट कराने के लिए, पर एक भी फीमेल्स नहीं आई थी। फीमेल्स अपना शूट करवा रही थी अंदर ही, इन लोगों ने थक हार के स्टार्ट कर दिया। और यहाँ फीमेल्स ने भी सारी फ़ोटो शूट कर ली, पहले सारी कैप्चर कर ली, फिर उन लोगों को इंतज़ार करवाया और खूब ही इंतज़ार करवाया। देखिए आप, यहाँ पर हमारे सारे मेल्स थक चुके थे एक ही पोजीशन में बैठ बैठ के। और एक बहुत मज़ेदार बात आपके साथ शेयर करूँगी, सुन लीजिए। यहाँ पर हमारे दक्षेश भाई बोर हो चुके हैं। फोटो पड़ो पार्टी 2 मिनट यार, क्या माओ करो जो नहीं थे आज 120 सेकंड। भारत माता की जय। यहाँ फीमेल्स भी आ गई थी और ग्रुप फोटो ले लिया और बहुत ही एंजॉय किया। आज गाला डिनर का थीम था ब्लैक कलर, तो सब लोग ब्लैक कलर में आपको दिखाई देंगे और बहुत अच्छी अच्छी फोटो शूट की। तो आइए आप शुरू करते हैं पानी पूरी। यहाँ पर पानी पूरी का काउंटर लगा था जो फीमेल से ज्यादा मेल्स खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे अपना गाला डिनर, और साथ में था म्यूजिक। डिनर से पहले सब लोगों ने डांस किया, खूब धमाल मस्ती की। आप देख लीजिए मेरे साथ, जिनको कभी हमने देखा नहीं था कि वो कभी डांस भी करते हैं, आज वो सारे झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और अपनी मस्ती में खूब ही मस्त थे। मुझे तो ये सब देख के ही बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत ही एंजॉय किया। उन लोगों ने किया नहीं किया वो अलग बात है, पर मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया। सारी मोमेंट्स अपने आँखों से देखी और सबको इतना हंसते खेलते और इतना एंजॉय करते हुए देख के मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। हम सब सारे गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो गुजराती गाना तो बजना ज़रूरी है। दिल ले गई कुड़ी गुजरात की, सही बात है, गुजरात की कुड़ी बहुत ही प्यारी, क्योंकि वो गरबा भी बहुत अच्छा करती है। तो नेक्स्ट हमारा आएगा गरबा, उससे पहले चल रहा है इनका ब्रेक डांस और बहुत ही मज़ा कर रहे हैं, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। रात को 8-8:30 बजे के बाद हमारा गाला डिनर शुरू हुआ था, और आप देख सकते हैं कि होटल की लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है, डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब झूमने नाचने में लगे हैं और हमारी लड़कियां भी कोई कम नहीं है, उनका भी डांस आएगा आगे, आप देख लेना, वो भी बहुत एंजॉय करेंगे आप। तो यहाँ पर हमारी लड़कियों को भी खूब धूम मची है, वो भी बहुत अच्छे से अपना एंजॉय कर रही है। यहाँ पर लड़कियाँ अलग डांस कर रही है और लड़के अलग, फिर भी ये भाई साहब अंदर घुस रहे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर सब ने बहुत ही एंजॉय किया, सब लोग बिजी है अपना डांस करने में। और आगे हम शुरू करेंगे गरबा, क्योंकि बिना गरबे के तो हमारा डांस ख़त्म ही नहीं होता। तो हम हैं गुजरात की कुड़ी, तो गरबा शुरू करेंगे हम सबके साथ। तो सब लोग ग्रुप में आ जाएंगे और उसके बाद हम करेंगे गरबा। Oh,
सब ओम शांति ओम के गाने से डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं अपना। यहाँ शुरू होता है हमारा गरबा, तो स्टार्ट हो चुका है हमारा गरबा। मैंने मेरा मोबाइल है वो किसी और को पकड़ा दिया है और मैं भी एंजॉय करने में लगी हूँ। बहुत ही मज़ा आया मुझे। सब लोग बहुत थक गए थे डांस करते करते, झूमते झूमते। उसके बाद हम लोगों ने सबने किया डिनर। डिनर भी बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। बहुत ही टेस्टी वाला फूड हम सबको दिया गया था, तो आइए वो भी शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। यहाँ सब हमने सारी फीमेल्स और मेल्स सारे अलग अलग बैठे थे, ग्रुप वाइज बैठे थे। हम लोगों ने रात को डिसाइड किया हम लोग जाएंगे सुबह श्रीनाथ जी सुबह 4 बजे। तो यहाँ पर हमारी एक बस है वो रेडी हो चुकी थी श्रीनाथ जी के लिए। सुबह 4 बजे सब लोग फिर से उठ गए थे और हम लोग श्रीनाथ जी दर्शन करने गए थे और वहाँ पर भी हम लोगों ने जयकारे के साथ शुरुआत की। श्रीनाथ जी के मंगला के दर्शन के बाद हम लोग फिर से होटल गए और हम लोगों ने सबने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट भी बहुत ही टेस्टी वाला था। यहाँ पर इडली सांभर थी, चाय कॉफ़ी थी। हम लोगों ने अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद फिर से एक फ़ोटोशूट के लिए। यहाँ पर फीमेल से भी बहुत एंजॉय किया, देखिए मेरे साथ ग्रुप फोटो में चलो। तो यहाँ पर सारी फीमेल्स इकट्ठा हो गई है। हम लोगों ने झवेरी की टी शर्ट पहनी है और झवेरी की टी शर्ट के साथ हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी क्लिक्स ले ली और सारी यादें हम अपने साथ संजो के रखेंगे। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी मोमेंट्स हम लोगों ने कैप्चर कर ली है। इसके बाद हम सब ने चेकआउट कर लिया होटल से और फिर हम अपनी बस की ओर मुड़ चले। तो आखिरी में ये सारी फ़ोटो हम लोगों ने क्लिक करवा दी और हम अपनी यादें अपने साथ जोड़ के रखेंगे। तो यहाँ से हम हो रहे उदयपुर से विदा, अब चलते हैं बस में। यहाँ पर तो जोश खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं शुरू से लेके एंड तक हर एक मोमेंट में सब लोगों ने कितनी हैप्पीनेस अपनी लुटाई है, एक दूसरे के साथ शेयर की है और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो कुछ बैठे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, तो कुछ डांस करने में बिजी है। यहाँ हमारे हीरेन भाई को बुलाया जा रहा है क्योंकि उनके बिना डांस में मज़ा नहीं आता और धमाल करने में नंबर वन है हमारे हीरेन भाई। हीरेन भाई नहीं हो तो हमारी ट्रिप सक्सेस भी नहीं होती, क्योंकि वो जितना एंजॉय करते हैं और कराते हैं तो सबको बहुत ही मज़ा आता है। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि सब लोग इतना मस्त हो गए हैं और ख़ासकर हमारे विजय भाई। विजय भाई इतना नाच रहे हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं और उनको होश ही नहीं है कि आप बस में हो, आपके आसपास में कोई पब्लिक है और किसी पे भी गिर सकते हैं। तो सब अपने बचाव में लगे हैं, इधर उधर जा रहे हैं ताकि उनका हाथ पैर कहीं पड़ ना जाए। तो आखिरी में इन साहब को रोका गया कि आप शांत हो जाइए, म्यूज़िक बंद करना पड़ा क्योंकि वो इतना नाच रहे थे कि बस जो है अपना बैलेंस भी खो रही थी और इनको बैठने के लिए बोला गया कि आप बैठ जाओ, आप डांस नहीं करना है, बैठ के कुछ खेला जाएगा। अब कुछ ही सेकंड में यहाँ से हमारे रुपेश भाई है वो भी निकल जाएंगे क्योंकि उनको भी डर लगता है कि कहीं हाथ पैर ना लग जाए, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। और पूरी तरह से ये विजय भाई डांस करने में जुटे हुए हैं। अब डांस वाला जो प्रोग्राम है वो यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। शांति से बैठेंगे और शांति से बैठ के अंताक्षरी खेलेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करी। ये दिल गया रहे मेरा दिल।
ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे रह जाएंगे रह जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे। अब पेश है कुछ ही देर में हमारे राकेश भाई आएंगे और वो अपने साथ कुछ शेयर करेंगे, तो उनका गला वाला साफ करके आइए सुनते हैं उनकी आवाज। दिल धक धक करता है तुझ पे ही मरता है सुन क्या क्या कहता है ओ मेरे सोना तेरा रूप सलोना तेरा क्या कहना। तो ऐसी ही कुछ मस्ती के साथ हमारा व्लॉग मैं एंड करती हूँ। आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।